हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विलेज कढ़ाई चैनल में। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, यदि आप रोज़ एक ही सब्जी बनाकर बोर हो चुके हैं तो कुछ नया बनाया जाए। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छी यहाँ पे गोल वाली लौकी फरी हुई है। तो इसे यहाँ पे लौका भी बोलते हैं और इसे कद्दू भी बोलते हैं। और चलिए आपको अंदर भी दिखा देते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छी अच्छी यहाँ पे लौकी फरी हुई है गोल वाली। तो इसे हम काट लेते हैं यहाँ से। तो ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारी लौकी फरी हुई है, छोटे छोटे भी हैं अभी। तो ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारी लौकी फरी हुई है, छोटे छोटे भी हैं अभी। ये देखिए, ये भी बहुत बड़ी हो चुकी है, तो इसे भी हम काट लेते हैं। ये देखिए, लौकी का फूल इस तरह का होता है। ये देखिए, बहुत सारे फूल इसमें लगे हुए हैं। ये गर्मी और सर्दी दोनों ही टाइम में इसे लगाया जाता है। तो लौकी लेकर मैं चलती हूँ घर। तो ये देखिए, आपको मैं पपीता भी दिखा देती हूँ। ये कितना सारा फरा हुआ है, एक पेड़ का पपीता। ये देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ हमने एक तसला लिया हुआ है, उसमें हम थोड़ा सा ईंधन रख देंगे और जलाएंगे आग को। हमारे इधर बारिश हो रखी है, इसीलिए मैं इसे तसले में ही जला रही हूँ आग को। तो आग को और भी जला लेते हैं। यहाँ पे उपला तोड़कर हम इसे रख लेते हैं आग पे और इसे खूब ज़्यादा सा आग बना लेंगे पहले। तो ये देखिए, उपले में आग बहुत ही अच्छे से सुलग रही है। जब आग बहुत अच्छे से हो जाएगी तभी हम इसमें कद्दू डालेंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं गोल लौकी का चोखा। बहुत ही ज़बरदस्त चोखा बनता है। और लौकी के चोखे के साथ हम बनाएंगे बाटी। तो ये हमने सरसों का तेल ले रखा है, तो इसे हम लौकी के ऊपर चारों तरफ से लगा देंगे। बहुत ही अच्छे से इसे लगाएंगे। इससे क्या होगा कि जब हम लौकी को भूनेंगे तो ये ऊपर से इसका सिर्फ जो छिलका है वही जलेगा और बहुत ही अंदर से अच्छे से हो जाएगा। तो इसमें हम चाकू की सहायता से दो जगह छेद कर देंगे। तो यहाँ उपले की आग सुलग चुकी है, तो इसके अंदर हम रख देंगे कद्दू को और इसे ढक देंगे उपले की आग से। तो आग से हमें इसे बहुत ही अच्छे से ढक देना है ताकि ये बहुत ही जल्दी से पक कर तैयार हो जाए। उधर हमारी लौकी को हम भून ले रहे हैं, तब तक हम इधर सारी चीज़ों को काट कर तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने प्याज को काट कर इसका छिलका उतार लिया है और इसे धो भी लिया है। तो अब हम इसको काट लेते हैं बारीक एकदम। तो लौकी में पानी बहुत ही ज़्यादा होता है, तो भूनने में वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ी मात्रा प्याज की, लहसुन अदरक और सारी चीज़ों की मात्रा थोड़ा ज़्यादा में लें। मिर्च को भी हम काट लेते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक हम मिर्च को काट लेंगे। धनिया की पत्ती को काट लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि लौकी हमारी कितनी पकी है। तो इसे हम देखकर थोड़ा उलट पलट देंगे। तो अभी ये कच्चा है, तो इसे हम फिर से ढक देते हैं। आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। इसको आप छील करके इसे अच्छे से धोकर काट लीजिए और कढ़ाई में बिना तेल के ही छौंक दीजिए और उसके साथ टमाटर को भी छौंक दीजिए और सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से पका कर अच्छे से रख लीजिए। जो इस चोखे में हम सारी चीज़ मिलाएंगे, वो जो आप कढ़ाई में पका कर रखेंगे उसमें भी आप सारी चीज़ें यही मिला दीजिए। तो चलिए एक बार इसे फिर से देखते हैं। तो ये देखिए, हम इसे दबा दबा कर देख लेते हैं। तो अभी इसमें थोड़ा अंदर से कच्चा है, तो इसे हम फिर से ढक देते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है कद्दू को पकने में, बस आग आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब हम इसी आग पर टमाटर को डाल देते हैं।
और इसे भी पका लेते हैं। तो ये देखिए टमाटर भी बहुत अच्छे से पकने लगा है और फट भी रहा है। जब तक कद्दू और टमाटर पक रहे हैं तब तक हम आटे को गूंथ लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटे को गूंथेंगे। हमें इसकी बाटी बनानी है तो बहुत ही सख्त आटा हमें इसे गूंथना है। तो कड़ा आटा गूंथने के लिए हमें इसमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। तो थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसे बहुत ही अच्छे से गूंथ लेंगे। तो आटे को हमने गूंथ लिया है, इसे हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे देखिए टमाटर हो चुका है, तो इसे थाली में निकाल लेते हैं। और ये हमारी गोल वाली लौकी भी भून चुकी है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। कद्दू और टमाटर को ठंडा होने देते हैं, तब तक हम बाटी बना लेते हैं। तो छोटी सी लोई हम तोड़ेंगे और उसे गोल गोल बनाकर एक लोई बना लेंगे। इसी तरह से हम सारी बाटी बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए सारी बाटी हमने बना ली है, तो इसे हम आग पे रख लेते हैं। तो एक एक करके हम सारी बाटी को आग पे रख लेते हैं। तो ये देखिए बाटी एक तरफ से हो चुकी है, तो इसे हम पलट देते हैं। अब हम कद्दू को उठा करके पानी में डालते हैं और इसे बहुत ही अच्छे से साफ कर लेंगे इसके ऊपर का छिलका। ये देखिए हाथों से इसके जो छिलके हैं धीरे धीरे हम उतार देंगे। अब हम टमाटर को भी धो करके साफ कर लेंगे। ये देखिए कद्दू और टमाटर को हमने बहुत ही अच्छे से धो करके साफ कर लिया है। इसके ऊपर का जो जला हुआ भाग है वो हमने निकाल दिया है। तो इधर बाटी को अब देख लेते हैं। ये देखिए बाटी हमारी बहुत ही अच्छे से हो चुकी है। तो अब हम इसे पलट करके आग पर दोबारा इधर उधर कर लेते हैं। अब हम बाटी को बीच में से राख हटा लेंगे। तो इसे बीच में बाटी को रख लेते हैं और सारी आग से उसे ढक देते हैं ताकि बाटी हमारी बहुत ही अंदर से अच्छे से हो जाए। चोखे में जो चाहिए वो दिखा देते हैं। लहसुन को कूट लिया है, अदरक लिया हुआ है, प्याज को काट लिया है हमने बिल्कुल बारीक, और ये हमने हरी मिर्च को काट लिया है बिल्कुल बारीक काटा हुआ है, धनिया की पत्ती ले रखी उसे काट लिया है। चलिए चोखा बनाना शुरू करते हैं। तो हम कद्दू को हाथों से इस तरह से मसल लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से कद्दू पका हुआ है, हल्का सा दबाने से भी ये अच्छे से फूट जाएगा। अब हम टमाटर को भी इसी में दबाकर अच्छे से फोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसे फोड़ लेना है। कद्दू और टमाटर को हमने बहुत ही अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कच्चा सरसों का तेल। अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक आप स्वाद के अनुसार डाल लीजिए, और इसमें डाल देंगे ढेर सारा प्याज, और इसमें मिर्च डालेंगे क्योंकि कद्दू हल्का सा फीका होता है, तो मिर्च थोड़ा आप ज़्यादा डालें, और यदि मिर्च नहीं पसंद करते हैं तो बिल्कुल मत डालिएगा। अदरक डाल दीजिए, लहसुन डाल दीजिए, और धनिया की पत्ती डाल देते हैं इसमें, और सारी चीज़ों को हम मिला लेते हैं इसी में। तो ये देखिए इसका चोखा बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। चोखे को हम प्लेट में निकाल कर दिखाते हैं। अब
इधर हमारी बाटी भी हो चुकी है, तो हम बाटी रख कर दिखाते हैं प्लेट में। ये देखिए राख को थोड़ा झाड़ देंगे। बहुत ही टेस्टी हमारी ये जो चोखा और बाटी बनकर तैयार है। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।